इस कांग्रेस शासन काल में जहां इनको जगह मिल रहा है वहीं पे घोटाला करते रहे हैं। ये महामारी का दौर था, उस महामारी के दौर में उन्होंने फ़ायदा उठाते हुए जैसे इंदौर स्टेडियम में कोविड सेंटर खोला गया था, वहाँ करोड़ों का घोटाला हुआ है। अगर नियंत्रण से अगर कार्य के लिए टेंडर निकाल के नियम के तहत खरीदी करके उस सेंटर को अगर बनाया जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन उन्होंने इस सब हरमार खर्चा किया है जिससे कोई हद हो गई। आज पूरी जनता इस चीज़ से अवगत हो चुकी है, सभी को मालूम है कि इस कोविड सेंटर के आड़ में और कोविड से दवाइयों के समय आड़ में इतने घोटाले पे घोटाला निगम प्रशासन कर रही है। मैं तो उसको पूर्ण आरोप लगाता हूँ कि आप लोगों को मारने का काम किया है, मारने का ही काम किया है, क्योंकि जहाँ खर्च होने चाहिए वहाँ खर्च कर रहे हैं, जहाँ पे आपको उपयोग करना चाहिए पैसे का वहाँ उपयोग नहीं हो रहा, और जहाँ आपको मौका मिल रहा है वहाँ पे घोटाले का काम कर रहे हैं। इंदौर स्टेडियम में जो कोविड सेंटर खोला गया था, 3500 लोगों को नज़र में एक भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना हुआ था। आज वहाँ सीसी कैमरा लगा हुआ है, इंटरकॉम लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है और वायर की सप्लाई होता है, वाटर सप्लाई हुआ है, एसी लगा हुआ है, इन सबों में लाखों रुपए का खर्च हुआ है। एक एक आइटम पे लाखों लाखों रुपए जो खर्च हुआ है, ये भ्रष्टाचार का ही तो गढ़ है, ये भ्रष्टाचार करने का एक माध्यम बनाया है। लोगों को जहाँ सुविधा देना चाहिए दवाइयों में खर्च करना चाहिए, और रेमडेसिविर जो दवाई इंजेक्शन है वो लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा था, उसको उपलब्ध कराना चाहिए, ये नहीं हो रहा था। यहाँ पे उनको उपयोग का सामान जैसे कूलर आप बताएं, टीवी है, फ्रिज है और एसी है, ये सारी चीज़ों पर इतना लाखों रुपए खर्च किया है और उसको शायद जो अगर स्वयं खरीदा जाता गवर्नमेंट के माध्यम से तो शायद 2-4-5 लाख में इसकी खरीदी हो जाता है, या करोड़ों का खर्च किया है।